हेलो फ्रेंड्स, दिव्या का कल बर्थडे है। इसके लिए देखिए, वो हम सब ने प्रिपरेशन करके रखा है। रात को 12 बजे दिव्या को देखिए हम सरप्राइज। अभी सनी दिव्या को बुलाने जाएगा। सनी लेट्स गो। और जैसे ही वो आती है, उसके लिए उसका केक का भी हमने बढ़िया सी केक ला के रखी हुई है। मम्मी पापा भी जग रहे हैं रात को 12 बजे देर से। आइए देखते हैं तो फिर केक कटिंग का सेलिब्रेशन करते हैं दिव्या के साथ। वेट, देखिए फ्रेंड्स, विश्वा भी आ गई है अपनी मम्मी को हैप्पी बर्थडे करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। मुस्कुरा रही है। देखते सनी कहाँ रह गया। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आ ही रही है शायद दिव्या। वेट कर रहे हैं, सनी जा गया है बुलाने के लिए। पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है, शायद सो गई होगी। हाय विश्वा, हाँ तो फ्रेंड्स, ये बर्थडे कल आ गई है दिव्या। अरे वाह, सनी ने उसको आंखों पे पट्टी लगा के लाई है। वैसे कुछ है नहीं, तू पट्टी निकाल सकती हो। बस ऐसे ही है, हैप्पी बर्थडे बुला रही बताने के लिए तुमको बुलाया दी गई है। हैप्पी बर्थडे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी ये केक कटिंग के बाद कुछ नाश्ते का भी इंतजाम किया है हम लोगों ने। मंचूरियन और सिजलर, जो भी रात को देर से लास्ट में जब होटल खुली थी वहाँ पे भाग के लेके आए हैं। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं दिव्या के साथ बर्थडे। तो फ्रेंड्स, अभी केक कट हो गई है रात को और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो मेरे लिए रात को लेके आए थे, तो यहाँ पे वो लोग सिजलर लाए थे और मंचूरियन लाए थे, तो हम लोग वो ही एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ वो भी, कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने व्लॉगिंग की, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और इस व्लॉग की स्टार्टिंग उन्होंने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन शाम हो गई जिस दिन मेरा बर्थडे था वो, तो अभी ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप भी देखिए कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं।
और आप ये देख रहे हैं वो सारी चॉकलेट्स मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स। Happy birthday to you, happy birthday dear Divya, happy birthday to you. और फिर ये केक कटिंग के बाद हम लोग आ गए होटल में खाना खाने के लिए। ये देखिए खुशी भी कैसे एंजॉय कर रही है, यहाँ पे पति देव दे रहे हैं ऑर्डर। और फिर यहाँ पे आ गया सबसे पहले सैलेड, फिर हमारा मसाला पापड़, और फिर ये हॉट एंड सॉर सूप। फिर हमने खाए है बारबेक्यू पनीर एंड पोटेटो बारबेक्यू। और फिर ये आ गए हरा भरा कबाब। और फिर हमने खाए मसाला कॉर्न। देखिए विश्वा भी कैसे सूप पी रही है। तो फ्रेंड्स आज होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे और आज है मेरी दादी का बर्थडे।
तो दादी ने बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दिए, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया है। क्या दिया विश्वा दादी ने? अरे वाह, और खुशी की कार। अरे वाह, खुशी के पास ही है। अरे वाह, ये तो फ्रेंड्स आज दादी का बर्थडे, तो उनके लिए स्पेशल मील बन रहा है आज का लंच। उनको पोटैटो वड़ा, आलू वड़ा बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम लोग वो बना रहे हैं। देखिए मैं तल रही हूँ यहाँ पे, और देखिए आज खाने में क्या क्या बना है। मटर आलू की सब्ज़ी, फूल गोभी की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, फिर चपाती, दाल, बटाटा वड़ा और मोहन थाल, राइस। आज सब दादी का पसंदीदा बना है। और यहाँ पे मेरी बुआ, मेरा भाई, भाभी, विहान सब लोग आए थे दादी को विश करने। तो फ्रेंड्स आपने आगे की क्लिप्स में देखा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, फिर आज दादी का बर्थडे, तो हमने सुबह लंच बनाया था, जो खाया हमने, मेरी बुआ और वो सब आए थे तो हमने साथ में लंच किया। और अभी हो रही है शाम और अभी डिनर का टाइम हो रहा है, तो आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे डिनर के लिए, और फिर केक कट करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए कि हम लोग कैसे छोले बनाते हैं। सोचा कि चलो आज आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं कि हम लोग छोले कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे छोले बनाते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक बड़े बर्तन में ऑयल ले लिया है, और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब अब हम डालेंगे इसमें मिर्च और लहसुन के पेस्ट, और फिर हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, इतना ही हम लोग सॉटे करेंगे। देखिए अभी इसका कच्चापन चला गया है, अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन पेस्ट। यहाँ पे हमने डाल दिया है ऑनियन पेस्ट, और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे कि ये जो ऑनियन है उसका भी कच्चापन चला जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो ये मेरी मम्मी बना रही है छोले, बहुत ही अच्छे से बनाती है मेरी मम्मी, तो आप सब भी देखिए कि कैसे बन रहे हैं। देखिए अभी ये पक रही है, कांदा जो है वो पक रहा है, अच्छे से हम पकाएंगे इसको। देखिए अभी ये पक गया है, तो अब हम इसमें डालें टमाटर की पेस्ट। अब इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे कि उसका भी कच्चापन चला जाए। तो अभी हम मसाले ऐड करते हैं, हल्दी पाउडर, और अब ये है धनिया जीरा पाउडर, फिर इसमें नमक एस पर टेस्ट, फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है उससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है, तो हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। फिर अब हम इस सब मसाले को थोड़ा पकने देंगे, और फिर जब ये सब मसाले पक जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला आता है छोले का, वो मसाला डालेंगे। हम लोग यहाँ पे एवरेस्ट का मसाला यूज़ कर रहे हैं, एवरेस्ट छोले मसाला, वो हम इसमें डालेंगे जबकि सारे मसाले पक जाए तब। देखिए अभी सब मसाले पक चुके हैं, तो अभी हम डालेंगे एवरेस्ट का छोले मसाला, और अब हम लास्ट में डाल देंगे बॉयल छोले इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और अब ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। तो तैयार है हमारा छोले।
खुशी है। Happy birthday to you, happy birthday dear daddy, happy birthday to you. आज मारा धर्मपत्नी नो जन्म दिवस है। 1969 मा मारा लगन थया, त्यार थी आज सुधी मने खूब ज साचवो छे। घरनी छत अछत कोई दिवस मनमा नथी आपी, समाज सेवा खूब करी छे। ज्यारे कोई पण आवे दर्दी अमारी ज्ञाती नु तो एना माटे टिफिन नी व्यवस्था बधुं खूब ज सारी व्यवस्था करता। अस्तु, हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। मम्मी विषय शू कहू, माँ विषय कहवा माटे शब्दों तो खरेखर ओछा ज होय। माने शब्दों थी तोली शकाय ज नहीं गयू कोई वार, पण माँ विषय कई कहवो तो एवं कही सकी के उसको नहीं देखा हमने कभी, फिर भी उसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ एक भगवान नु स्वरूप छे। ये ज रीते मारी मम्मी माटे तो हूँ कहू तो कई मारे जोड़े अत्यारे ज्यारे મારા ફિલિંગ્સ કહેવાના આવે તો શબ્દો કોઈ જ નથી, બસ એ હેપી બર્થડે મમ્મી, લવ યુ। હેપી બર્થડે દાદી। દાદી, તમે હું નાની હતી ત્યારથી આવી, ત્યારથી ખૂબ સાચવી છે, અને ભગવાન તમારી તંદુરસ્તી સદાય સારી રાખે। હેપી બર્થડે નાની, હેપી બર્થડે મમ્મી, હેપી બર્થડે સાસુમાં, ભગવાન તને ખૂબ તંદુરસ્તી આપે અને ખૂબ ખૂબ બ્રહ્મના આશીર્વાદ આપે। હેપી બર્થડે નાની, હેપી બર્થડે મમ્મી। માં એટલે આપણને દરેક ઉંમરે બાળકો હોવાનો અહેસાસ કરાવતું પાત્ર એટલે માં। માં એ મારી જિંદગી છે। લવ યુ મમ્મી, હેપી બર્થડે। હેપી બર્થડે નાની, હેપી બર્થડે મમ્મી, હેપી બર્થડે મમ્મી, હેપી બર્થડે દાદી। આપ જીઓ હજારો સાલ, હંમેશા સ્વસ્થ રહો ઓર ખુશ રહો। હેપી બર્થડે દાદી। હેપી બર્થડે દાદી માં। वैसे तो दादी माँ है पर हमेशा माँ की तरह प्यार दिया है, हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे और ऐसे ही हंसते रहे। आप जियो हजारों साल, गॉड ब्लेस यू, और हमारे साथ हमेशा रहे। थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई डियरेस्ट दादी। आज आपके बर्थडे पर मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जो मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है वो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो जब मैं छोटी थी, 2.5 साल की थी, तब मेरे पापा का जॉब जो है वो मेहसाना में लग गया था और हम सब लोग पाटन रहते थे, तो मेरे मम्मी पापा को मेहसाना आना पड़ गया था। और मेरी ऐसी जिद थी कि मैं पढ़ूंगी तो सिर्फ पाटन में ही पढ़ूंगी। तो जब मैं 2.5 साल की थी तब से लेके मेरी पूरी जो प्री स्कूल है वो मैंने पाटन की, और मुझे मेरी दादी ने ही पढ़ाया वहाँ पर। मेरी दादी मुझे रखती थी, यहाँ तक कि मैं इतनी बड़ी हुई तब तक जो जो मेरी सारी बातें थी वे मैं अपनी दादी के साथ शेयर करती थी। अभी तक मैं अपनी सारी बातें मेरी दादी से शेयर करती हूँ, और मुझे लाइफ में जितना सपोर्ट मेरी दादी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। तो दादी, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ, और मेरी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे, आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, और आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल ही ना आए। हैप्पी बर्थडे दादी, लव यू दादी। दादी को कहती हूँ અને તું જીવો વટાયો ત્યાં। હેપી બર્થડે દાદી, તમે છેક સુધી આવા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહો। બસ હું ભગવાન પાસે એવી પ્રાર્થના કરું છું કે મને જે મારા દીકરા દીકરીઓ, દીકરાની દીકરીઓ, દીકરાના દીકરીના દીકરાઓ, ભણિયાઓ બધા જે મળ્યા છે એ આવતા જન્મમાં પણ મને આ બધા મળે એવી ભગવાન પાસે અંતસ્કરણથી પ્રાર્થના કરું છું। બધા જ મારી સેવા બધી ખૂબ આપે છે કે એની હું ખૂબ ઋણી છું।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस क्लिप के बाद मैं आप एक ब्लॉपर की क्लिप डाल रही हूँ, आप जरूर देखना कि किस तरह से खुशी को वीडियो एंड करना था, मूवी में वो क्लिप डाल रही हूँ, जरूर देखना। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। देखो, खुशी भी आपको सबको बाय बोल रही है। बाय कर दो। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। लाइक करो। सब्सक्राइब करो। शेयर करो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो। इस वीडियो को बस खुशी एंड कर रही है। तो बाय बाय। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग गाइस।